सत्यपाल सिंह मनवाल जी के पास, जितेंद्र प्रसाद प्रधान खकील, प्रधान खकील, और अंत में नवीन भंडारी जी प्रधान जुणगांव। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का वो सादगी, वो सरलता भरा व्यक्तित्व है, तो कोई भी व्यक्तित्व उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। और सभी ग्राम प्रधान जो है उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से सम्मानित होने का अवसर मिल रहा है। नवीन भंडारी जुणगा, और हमारे साथ दुर्गेश्वर लाल जी भी हैं, विधायक जी पुरोला, हार्दिक स्वागत। महोदय, अभी तक एक व्यक्ति को छात्रवृत्ति, पेंशन, मजदूरी और सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए दूर दराज से आकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जहां डिजिटल पेमेंट की दिशा में सरकार ने सभी को जोड़कर आम जनता की परेशानी को दूर किया, वहीं सरकार के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में अनेक सेवाओं से नागरिकों को सुविधा मिली है। इस प्रक्रिया को संपूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत करते हुए आईटीडीए द्वारा डीबीटी पोर्टल विकसित किया है, अनेक सेवाओं को इसमें जोड़ा हुआ है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि डीबीटी पोर्टल को लॉन्च करने का कष्ट करें। और इसके बाद डीबीटी पोर्टल पर एक संक्षिप्त वीडियो भी हमने तैयार किया है। मेरा तकनीकी टीम से अनुरोध रहेगा कि डीबीटी पोर्टल लॉन्च करें। सरकार की प्राथमिकताओं में से एक योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जिसके प्रयोग से न सिर्फ सरकार को राजस्व की लीकेज को रोकने एवं वास्तविक लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने में सहायता प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को भी संपूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत करते हुए आईटीडीए द्वारा डीबीटी पोर्टल विकसित कर लिया गया है। डीबीटी हेतु अब तक 42 आवश्यक सेवाओं को एंड टू एंड डिजिटाइज बनाने का कार्य पूर्ण करते हुए जनमानस को उपलब्ध करा दिया है। साथ ही 25 अन्य सेवाओं का एंड टू एंड डिजिटीकरण का कार्य अंतिम चरणों में है। लाभार्थी सीधे पोर्टल के माध्यम से योजना के अंतर्गत स्व लॉगिन सीएससी केंद्रों व ई डिस्ट्रिक्ट केंद्रों में जाकर आवेदन कर सकेंगे, जिसका निस्तारण संपूर्ण पारदर्शिता के साथ इस नवाचार के माध्यम से करने हेतु आवेदनों को पोर्टल के माध्यम से तत्काल ही संबंधित विभाग के अधिकारी स्वीकृत करते हुए राज्य के आईएफएमएस पोर्टल पर प्रेषित करेंगे। आईएफएमएस पोर्टल पर भुगतान प्रक्रिया पूर्ण करते हुए स्वीकृत धनराशि सीधे ही आवेदक के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। डीबीटी योजना के माध्यम से नागरिकों को निम्न मुख्य लाभ होंगे: पारदर्शिता, नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा, भ्रष्टाचार मुक्त लाभ की प्राप्ति और मध्यस्थों की भूमिका समाप्त। धन्यवाद महोदय। मेरा मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध कि स्टेट पोर्टल, न्यू स्टेट पोर्टल और स्टेट जियो पोर्टल को भी लॉन्च करने का कष्ट करें। आज काफी अधिक पोर्टल हैं और ये सब आम नागरिकों के लिए। एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि सिंगल साइन ऑन को भी लॉन्च करने का कष्ट करें, सिंगल साइन ऑन पोर्टल। महोदय, वित्त विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा कुशल, उत्तरदायी एवं प्रभावी वित्तीय प्रबंधन हेतु आईएफएमएस पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल
भारत सरकार द्वारा बेस्ट प्रैक्टिस हेतु भी चिन्हित किया गया है। साथ ही यह पोर्टल कई राज्यों के लिए पथ प्रदर्शक भी बना है। इसके लिए वित्त विभाग भी बधाई के पात्र हैं। इस प्रक्रिया में एक और कदम बढ़ाते हुए वित्तीय प्रणाली को पेपरलेस, कैशलेस एवं फेसलेस बनाने की दिशा में IFMS द्वारा ई पेंशन मॉड्यूल विकसित किया है। इससे सरकार की वर्षों तक सेवा कर चुके कर्मचारी अपनी सेवा के अंतिम दिनों में जटिल सरकारी प्रक्रियाओं के चलते अपनी सेवा का लाभ अर्थात पेंशन हेतु परेशान न हो, इसके लिए विभागों द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही निर्गत किए जाएंगे तथा इसका अलर्ट घर बैठे ही पेंशनर के मोबाइल पर आ जाएगा। इससे पेंशन स्वीकृति में अनावश्यक विलंब नहीं होगा। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध कि ई पेंशन को लॉन्च करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी।